हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के 10 राज्यों में प्रतिदिन 71% से ज्यादा केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, देश के 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना से पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा। भारतीय कोरोना वेरिएंट ने आई ब्रिटेन की चिंता, वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया। देश के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का 2 दिन में ही बदला बयान, का कड़े उपायों से तीसरी लहर को हराया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से बात की, कोरोना काल में मदद के लिए पीएम मोदी ने शुक्रिया अदा किया। नॉर्थ ईस्ट में कोरोना के हालात पर पीएम की पैनी नजर, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के सीएम से प्रधानमंत्री मोदी ने की बात। सोनिया गांधी ने पीएम से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की अपील की, कहा कोरोना की वजह से राजनीतिक मतभेद कम हुए हैं। सोनिया बोली, मोदी सरकार की उदासीनता से देश डूब रहा है, देश की जनता के लिए नाकाम रही है सरकार। राहुल गांधी का तंज, कहा वैक्सीन सही आंकड़े, नए कोरोना स्ट्रेन का विश्लेषण और कमजोर वर्ग की मदद करने में नाकाम रही सरकार। सिंगापुर में भारतीय हाई कमीशन से बड़ी इंटरनेशनल फूड कंपनी ने मिलाया हाथ, संकट के वक्त भारत की करेंगे मदद। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 53 वेंटिलेटर्स के लिए डेनमार्क का शुक्रिया अदा किया। डिफेंस के पूर्व डायरेक्टर अब लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेशन देंगे, ई संजीवनी पोर्टल पर मिलेगी मदद। अनुष्का और विराट कोहली ने कोरोना से राहत के लिए शुरू किया फंड रेजिंग, 2 करोड़ का दान भी दिया। कोरोना से जंग में डायरेक्टर प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी ने बहाया मदद का हाथ, अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रिया अदा किया। भारतीय रेलवे ने अब तक 2,960 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया, अलग अलग राज्यों में 185 टैंकर्स पहुंचाए गए। ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने वाले उपकरण का दूसरा हिस्सा जर्मनी से भारत पहुंचा, 6 मई को आया था पहला पार्ट। विदेश से अब तक 2,933 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, करीब 2,500 ऑक्सीजन सिलेंडर आए, सभी राज्यों में संसाधन बांटे गए। विदेशी मदद से 13 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए, करीब 3,000 वेंटिलेटर्स और 3 लाख रेमडेसिविर की वायल मिली। हाई लेवल मीटिंग के बाद दिल्ली के सीएम का आदेश, ऑक्सीजन की कमी से नहीं जानी चाहिए एक भी जान। ममता बनर्जी ने फिर पीएम मोदी को लिखा खत, मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की मांग। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज का बड़ा बयान, कहा सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन प्लांट को सेना के अंडर रखा जाए। राजस्थान गवर्नमेंट का बड़ा फैसला, 50,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विदेशों से खरीदे जाएंगे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग की, कहा हमें 1700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, आज की तारीख में मरीजों को ऑक्सीजन देने की क्षमता देश में नहीं है, विदेशों से आई मदद गोदामों में पड़ी है। बिजनेसमैन नवनीत कालरा के 3 ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, कुल 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद। नवनीत कालरा के खान चाचा रेस्टोरेंट से 96, टाउन हॉल रेस्टोरेंट से 9 और एक बार से 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार का बयान, ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, चाहे किसी पार्टी का कोई नेता ही क्यों ना हो। ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता इमरान हुसैन को नोटिस, दिल्ली हाईकोर्ट में शनिवार को हाजिर होने के आदेश। कोरोना को मात देने के लिए देश में टीकाकरण जारी, बीते 24 घंटे में 23,70,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। देश के 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 प्लस उम्र के 11,80,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। वैक्सीन सप्लाई के लिए बने जीएवीआई अलायंस का बयान, भारत को 250 मिलियन वैक्सीन डोज और $30 मिलियन की मदद मिलेगी। 16 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लिए ला रहा है फाइजर mRNA वैक्सीन, FDA MS मंजूरी का इंतजार। दिल्ली में तेजी से हो रहा है 18 प्लस का वैक्सीनेशन, 4 दिन में 1,84,000 युवाओं को लगे टीके। केजरीवाल ने 3 महीने में दिल्ली में वैक्सीनेशन खत्म करने का आदेश दिया, कहा डीएम रिलीफ कैंप और ओल्ड एज होम में करें औचक निरीक्षण। दिल्ली में मीडिया कर्मियों को उनके दफ्तरों में लगेंगे टीके, केजरीवाल सरकार उठाएगी खर्च। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश, 18 प्लस उम्र वालों के लिए सोमवार से प्रदेश के 11 और डिस्ट्रिक्ट्स में वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। यूपी में फिलहाल कोरोना से गंभीर रूप से प्रभावित 7 महानगरों में 18 प्लस उम्र वालों को लगाया जा रहा है टीका। यूपी में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला डोज और 26,64,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे का बयान, 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर का आरोप, कहा केंद्र से नहीं मिल रहा रेमडेसिविर इंजेक्शन, अमेरिका से इंपोर्ट किया 52,000 इंजेक्शन। असम के गुवाहाटी में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाया जा रहा है टीका, प्रदेश सरकार मुफ्त में लगा रही है टीका। वैक्सीनेशन पॉलिसी के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा एक कीमत और एक जैसा आवंटन हो। पंजाब में सोमवार से 18 प्लस को लगेंगे टीके, सीरम को 30 लाख डोज का ऑर्डर, केंद्र से भी मिलेंगे 3,30,000 डोज। कोरोना वैक्सीन के लिए आंध्र प्रदेश की गुंटूर में लगी भीड़, कोरोना नियमों का पालन नहीं। केंद्र सरकार ने कर्नाटक का रेमडेसिविर कोटा बढ़ाया, 10 से 16 मई के बीच 2,62,000 वायल मिलेंगे। देश में बीते 24 घंटे में 4,14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 3,915 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना को 19,832 नए मामले मिले, 24 घंटे में 341 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के 3,039 नए केस, 71 की मौत। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन।
यूपी में कोरोना के 28,000 से ज्यादा नए मामले, 372 मरीजों ने गवाई जान। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, बीते 24 घंटे में 9,642 लोग संक्रमित, 137 लोगों की मौत। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना से 18,231 लोग संक्रमित, 164 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 38,460 नए मरीज मिले, पूरे राज्य में 54 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 48,781 नए केस, 24 घंटे के अंदर 592 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के करीब 26,500 केस, 197 लोगों ने तोड़ा दम। बंगाल में कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा आया, 19,216 नए मरीज मिले, 112 लोगों की मौत हुई। पुडुचेरी में कोरोना के 1,746 नए केस, 19 की मौत। उत्तराखंड में कोविड नियम तोड़ने पर अब तक 2,00,000 से ज्यादा लोगों का चालान कटा, 3.5 करोड़ जुर्माना वसूला गया। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री का ऐलान, 7 मई से 12 जून तक गर्मी की छुट्टियां घोषित। चंडीगढ़ में 8 मई सुबह 5 बजे से 10 मई सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू, केवल जरूरी सेवाओं को छूट। महाराष्ट्र के लातूर में 8 जून से 6 दिन का लॉकडाउन लगेगा, कोरोना केस बढ़ने की वजह से लिया गया फैसला। गोवा में 9 मई से 23 मई तक कर्फ्यू का ऐलान, जरूरी सेवाओं और मेडिकल सप्लाई को मिलेगी छूट। एनएसयूआई ने लॉन्च की फ्री एम्बुलेंस सेवा, ऑक्सीजन सपोर्ट वाली 2 एम्बुलेंस भी शामिल। दिल्ली के इंदरपुरी में एम्बुलेंस का मनमाना किराया वसूलने वाला गिरफ्तार, गुरुग्राम से लुधियाना के लिए 1,20,000 चार्ज किया था। लखनऊ में एम्बुलेंस की दरें तय, बिना ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस शुरुआती 10 किलोमीटर के लिए 1,000 रुपए चार्ज करेंगी, ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस का किराया 10 किलोमीटर के लिए 1,500 रुपए होगा, वेंटिलेटर के साथ 2,500 रुपए देने होंगे। योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का हमला, कहा जनता की रक्षा करने में नाकाम रही यूपी सरकार। उत्तराखंड के सीएम ने ऋषिकेश आईडीपीएल में बने कोविड अस्पताल का दौरा किया, 500 बेड वाला अस्पताल जल्द होगा तैयार। इंदौर के अस्पताल में कोरोना मरीज के साथ छेड़खानी का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोरोना पर राजस्थान में पॉलिटिक्स हाई, केंद्र सरकार के अंडर आने वाले ईएसआई हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने निकाली भड़ास। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भीड़ रोकने गई स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स पर हमला, कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर, 5 नामजद आरोपी फरार। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एक शख्स ने दर्ज कराया केस, नए वेरिएंट को लेकर पैनिक क्रिएट करने का आरोप। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में ईद की शॉपिंग के लिए उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग तार-तार। पंजाब आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग अनिवार्य, कम यात्रियों वाली गाड़ियां होंगी रद्द। गोवा आने वाले पर्यटकों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य कर दिए गए। मध्यप्रदेश की निवारी में 3 के खिलाफ केस दर्ज, 3 में से 2 कोरोना के मरीज, शादी समारोह में लिया था हिस्सा। कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान, अब सीटी स्कैन के लिए 1,500 और डिजिटल एक्सरे के लिए 250 रुपए चार्ज किए जाएंगे। केरल में टेस्टिंग की कीमत कम करने पर फैसला नहीं बदलेगा, याचिका हाईकोर्ट में खारिज। नेपाल के डॉक्टरों ने ओली सरकार को दी चेतावनी, कोरोना केस में दर्ज हो सकती है जबरदस्त बढ़ोतरी। ब्रिटेन में 40 से कम उम्र के लोगों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नहीं लगेगी, दूसरी वैक्सीन चुनने का अधिकार मिलेगा। जापान में कोविड इमरजेंसी बढ़ाई गई, ओलंपिक्स का आयोजन रद्द होने की अटकलें बढ़ी। चीन के साइनोवैक को WHO ने दी हरी झंडी, कहा 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सेफ है वैक्सीन। सिंगापुर में मास्क न पहनने पर भारतीय मूल की महिला को जेल की सजा सुनाई गई। कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में सोनिया का बयान, कहा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 4 सदस्यीय केंद्रीय टीम नॉर्थ 24 परगना के सतगछिया पहुंची, हिंसा पीड़ितों से हुई मुलाकात। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय हसबोले का बंगाल पर बयान, कहा निर्वाचित ममता सरकार जल्द हिंसा खत्म कराए। एमके स्टालिन तमिलनाडु के सीएम बने, हर परिवार को कोरोना से राहत के लिए 4,000 रुपए देने वाले पहले आदेश पर हस्ताक्षर किए। एनआर कांग्रेस के प्रमुख एन रंगासामी ने पुडुचेरी के सीएम पद की शपथ ली। गोरखपुर में पंचायत चुनाव में गलत उम्मीदवार को विजयी घोषित करने का मामला, एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ केस। बीएसपी चीफ मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की, कहा पंचायत चुनाव के बाद हो रही हिंसा पर रोक लगाएं। श्रीनगर के नवा बाजार चौक पर ग्रेनेड से हमला, 1 पुलिस वाले समेत 3 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। चेन्नई एयरपोर्ट पर 15 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त, ड्रग्स की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा। व्हाट्सएप ने 15 मई की डेडलाइन हटाई, प्राइवेट पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए तारीख तय की गई थी। इस हफ्ते अंतरिक्ष से धरती पर गिरने वाले रॉकेट मलबे के बारे में चीन का बयान, कहा धरती को नहीं पहुंचेगा किसी तरह का नुकसान। फिलिस्तीन के 2 हमलावरों को इसराइल के सैनिकों ने मार गिराने का दावा किया, वेस्ट बैंक इलाके में घुसे थे हमलावर। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति की कार में धमाके को आतंकवादी घटना घोषित किया गया, बाल बाल बचे थे मोहम्मद नाशिद। सोने का भाव 474 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा, चांदी 1,050 रुपए प्रति किलो महंगी हुई। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 27 पैसे बढ़ा, 1 डॉलर की कीमत 73.51 रुपए। सेंसेक्स 256 और निफ्टी मात्र 98 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, केएल राहुल को स्टैंड बाय पर रखा गया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।